ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। फिर से इट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 1 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 24 वोल्ट्स। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। फाइन, व्हाट इज गिवन। हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में जो बैटरी है उसका ईएमएफ 24 वोल्ट दे रखा है एंड इस सर्किट में हमारे पास एक कैपेसिटर भी है, कुछ इस तरह से आपके पास कैपेसिटर होगा एंड जो कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट्स है उनका जो एरिया है वो आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड जो सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स बी उसकी वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। सो अभी होगा क्या कि ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड इस कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो हमें बताना है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बिटवीन द टू प्लेट्स। सो कैसे करेंगे, पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज के पहले आपको कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, सी दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए पॉन्ड डी। एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है। ए एरिया ऑफ द प्लेट्स दे रखा है, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दे रखा है। सो हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। एक बार कैपेसिटेंस आ गया देन हम चार्ज निकाल सकते हैं प्लेट्स पे, दैट इज सी इंटू वी। सी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स वो भी दे रखा है 24 वोल्ट। एक बार चार्ज आ गया देन हम सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे, दैट इज क्यू अपॉन ए। सो क्यू की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी और डिवाइडेड बाई एरिया। सो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी। एक बार सिग्मा आ गया देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ वन प्लेट दैट विल बी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा की वैल्यू ये रही, उठा के पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सो ये आ जाएगा वी अपॉन टू डी, राइट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ईच प्लेट। ईच प्लेट, एक प्लेट के कारण इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई। सो देखो इसी तरीके से हम यू नो कैपेसिटर के बीच में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, लेट से कैपेसिटर के बीच में कोई पॉइंट पी है, देन पॉइंट पी पे ऊपर वाली प्लेट उसमें क्या है प्लस सिग्मा, नीचे वाली प्लेट उसमें क्या है माइनस सिग्मा। सो ऊपर वाली प्लेट के कारण पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। नीचे वाली प्लेट के कारण पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव सिग्मा है। सो पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये निकल के आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आपने पढ़ा भी होगा कि कैपेसिटर के अंदर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज जो कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे फोर्स मिल जाएगा। देखो ये फोर्स वो फोर्स नहीं है, लाइक दिस फोर्स इज नॉट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स। क्यों नहीं है, जैसे हमारे पास दो चार्ज है, लेट्स से क्यू वन एंड क्यू टू। जो क्यू वन है वो पॉइंट ए पे रखा हुआ है और जो क्यू टू है वो पॉइंट बी पे रखा हुआ है। सो अगर मैं क्यू वन और क्यू टू के बीच में किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा देन क्यू वन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई वन, क्यू टू के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई टू, राइट। और इनका जो वेक्टर सम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कोई भी रैंडम पॉइंट लोगे तो वहाँ पे ई वन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज वन ई वन, और ई टू आएगा ई टू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सेकेंड चार्ज, और उनका जो वेक्टर सम होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पे। बट अगर मुझे Q1 और Q2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप देखो लेट्स से Q1 कितना फोर्स अप्लाई करेगा Q2 पे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, Q1 के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट B पे, दैट इज E1, है ना। आप Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लोगे, सिर्फ Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E1 उसको मल्टीप्लाई करोगे Q2 से, बिकॉज Q2 खुद अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकता। सो जब हम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस निकालते हैं सो Q1 के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द लोकेशन ऑफ Q2 इनटू Q2, है ना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द अदर चार्ज, खुद के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कंसीडर करना। सो व्हाट आई वांट टू से, जब हम दो प्लेट्स के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं ना,
सो लेट से आप क्या निकालना चाहते हो कि पॉजिटिव वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव वाली प्लेट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। सो पॉजिटिव प्लेट के कारण नेगेटिव प्लेट के पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव प्लेट एट द लोकेशन ऑफ नेगेटिव प्लेट, है ना, इनटू चार्ज ऑफ नेगेटिव प्लेट, राइट। सो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो थी वी अपॉन टू डी, राइट। सो इसकी वैल्यू है वी अपॉन टू डी, एंड जो चार्ज है क्यू, दैट इज ए रहा चार्ज, एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। तो जस्ट इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको देखो क्या आंसर आएगा इसका। सो थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2d2। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 इंटू एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 10 रेज टू द पावर माइनस 4, सो दैट ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 डी स्क्वायर, डी 1 सेंटीमीटर, और यू कैन से 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर, और उसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पूछी है, इसको सॉल्व करोगे देन आपका आंसर आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप लुकिंग एट द स्टफ लाइक।